वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका महालक्ष्मी रियल किचन में। आज हम बनाएंगे मेथी के पराठे एकदम अलग अंदाज में, जो बहुत ही टेस्टी बनकर के तैयार होगी। तो आइए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। सबसे पहले लिया है मेथी का एक बंच, इसको धो लिया है और बारीक कट कर लिया है। और इधर लिया है एक मीडियम साइज का प्याज और गाजर ग्रेट किया हुआ, और एक आलू लिया है, इसको मैंने छील लिया है, इसको हम बाद में ग्रेट कर लेंगे। और इधर लिया है 2 कप के जितना आटा, इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून डालेंगे नाइजेला सीड्स। आप चाहें तो इसमें अजवाइन भी डाल सकते हैं। और 1 टेबल स्पून डालेंगे तेल, और इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। और थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो इधर देखिए, मैंने डो तैयार कर लिया है और लगा दिया है थोड़ा सा ऑयल, और अच्छे से इसको गूंद लेंगे। और अभी गूंद लिया है और इसको हम एक साइड में रख देंगे रेस्ट के लिए। और इधर देखिए, ये मेथी जो कटा हुआ मैंने रखा था, उसी में हम आलू को ग्रेट कर लेंगे। आलू को ग्रेट कर लिया है और इसी में डाल देंगे बारीक कटा हुआ प्याज और गाजर। और अभी डाल दिया है अदरक लहसुन और मिर्च का पेस्ट बनाया मैंने, हरी मिर्च का 1 टेबल स्पून के जितना डालेंगे। और 1/2 टीस्पून डाल दिया है हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून डाल दिया है धनिया पाउडर, और 1/2 टीस्पून डाला है गरम मसाला, और 1/2 टीस्पून ही डाला है ड्राई मैंगो पाउडर यानी अमचूर, और 1/2 टीस्पून डाला है चाट मसाला। इन सारी चीज़ों को हम तभी मिक्स करेंगे। और इधर देखिए, नमक डाल दिया है टेस्ट के अकॉर्डिंग, जब भी हमको पराठा बनाना हो तभी हमको मिक्स करना है और तुरंत हमको पराठा बना लेना है, नहीं तो क्या होगा, ये सब मिक्स करने के बाद अगर हम रखेंगे तो इसमें से पानी रिलीज होगा और हम पराठा नहीं बना सकते। तो अभी मैंने मिक्स कर दिया है बहुत अच्छे से। और इधर देखिए, आटा अभी रेस्ट कर चुका है, इसको वापस हम थोड़ा सा नीड कर लेंगे और उसके बाद हम इसकी लोइयां कट कर लेंगे। और अभी हम इसको चकले के ऊपर लोई को अच्छे से सॉफ्ट बना लेंगे। और इसको आटा डस्ट कर लेंगे थोड़ा सा, और एक चपाती के जितना बेल देंगे इसको। और यहाँ पे कट लगा देंगे, देखिए ऐसा, और उसके ऊपर हम रखेंगे स्टफिंग,
अच्छे से फैला देंगे और इसको कुछ इस तरह देखिए रोल कर लेंगे। फिर इसको प्रेस कर देंगे। वापस हम आटा डस्ट करेंगे। और इसको बेल लेंगे। पराठा अभी बेल दिया है देखिए। और इधर गरम किया है एक तवा, उस पे हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और अभी पराठा को सेक लेंगे गोल्डन और क्रिस्प होने तक। दोनों साइड में अलट पलट करके हम तेल लगाएंगे और अच्छे से सेक लेंगे। इस पराठे को आप मीडियम आग पे सेकें, क्योंकि जो भी सब्जियां हैं, आलू डाला है, गाजर डाला है, वो अच्छे से पक जाने चाहिए। और उसी तरह से हम दूसरा पराठा भी सेक लेंगे। ये भी अभी गोल्डन सिक चुका है, ये देखिए बहुत ही क्रिस्प। इसको भी हम निकाल लेंगे और ऐसे ही हम सारे पराठे को सेक लेंगे। और अभी सारे पराठे तैयार हो चुके हैं, तो इनको हम सर्व कर लेते हैं गर्मा गर्म। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही हेल्दी पराठे बनकर तैयार होते हैं। आपने देखा मैंने इसमें कुछ सब्जियां भी डाली हैं मेथी के अलावा, तो ये बहुत ही टेस्टी बनकर के तैयार होता है। ये पराठे आप एक बार अब ज़रूर ट्राई करें। इसको हम सर्व करेंगे दही के साथ में। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये देखिए कितने गोल्डन और क्रिस्प दिख रहे हैं, बहुत ही टेस्टी पराठे बनकर के तैयार होते हैं ये। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।